everyone, welcome to the channel of Education World. Welcome to your class of business studies. आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. देखो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या रहता है. देखो अब आप जो भी बिजनेस शुरू करो, कोई भी बिजनेस शुरू करो, उसमें बिजनेस एनवायरनमेंट का, आपके इंटरनल फोर्सेस का, आपके एक्सटर्नल फोर्सेस का इम्पैक्ट रहेगा ही. ठीक है, वो आप किसी भी हाल में इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो कम से कम ये तो देखोगे ना कि वो कस्टमर्स उसको प्रेफर कर रहे हैं या कस्टमर्स उसको प्रेफर नहीं कर रहे. तो ये रहता है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि अलग अलग तरह के कौन से एनवायरनमेंट हमारे पास रहते हैं जिनका इम्पैक्ट जो है वो हमारे ऊपर रहता है. सो स्टार्ट करते हैं. पहला एनवायरनमेंट है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. पहला एनवायरनमेंट कौन सा है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. So it has immediate and direct economic impact on a business. इसका सीधा सीधा business के ऊपर impact पड़ता है. Rate of interest, inflation rate, change in income of people, monetary policy, price level, etc. are some factors which could affect the business firms. So it may offer the opportunities to a firm, or it may put the constraints. अब देखो rate of interest, ये देखना ध्यान से. Rate of interest क्या चीज है? Banks जो हैं वो आपको देते हैं लोन प्रोवाइड करता है. ठीक है, बैंक को लोन प्रोवाइड करता है सेंट्रल बैंक. ठीक है, सेंट्रल बैंक से क्रेडिट की फैसिलिटी जो है वो हेल्प की जा सकती है बैंक्स की. बैंक्स आगे आपको लोन प्रोवाइड करते हैं. तो अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा मिल रहा है तो आप लोन नहीं लोगे, है ना. अगर आपकी जरूरत इतनी नहीं है जरूरी, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लोगे. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा ना तो आपका कंजम्पशन पैटर्न थोड़ा कम हो जाएगा. उसका रीजन ये रहेगा, देखो पहले क्या था कि हमारे को जो हमारे ड्यूरेबल्स हैं, सेमी ड्यूरेबल्स हैं, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, व्हीकल्स हो गए, फोर व्हीलर व्हीकल्स हो गए, इनके ऊपर ना हमको लोन नहीं मिलता था. अब हाउसिंग लोन भी अवेलेबल है, ऑटोमोबाइल्स लोन भी अवेलेबल है, आप रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये सब चीजें, एयर कंडीशनर्स भी आप जो है वो ईएमआईस पे ले सकते हो. ईएमआईस का जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड आ गया. तो यूजली हम लोग सारी चीजें परचेज कर लेता है ना. तो अल्टीमेटली कंपनीज के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है जब ऐसी सर्विसेज रहें, और इन केस ऐसी सर्विसेज ना हो तो कंपनीज के प्रोडक्ट्स की डिमांड कम रहती है. फिर उसके बाद में बात आती है इन्फ्लेशन रेट की. किसकी बात आ रही है? इन्फ्लेशन रेट की. देखो इन्फ्लेशन रेट है जो, दैट इज, इसको हिंदी में बोलते हैं महंगाई, है ना. महंगाई का रेट अब हमने देखना है. अगर महंगाई बहुत ज्यादा तो नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड कम हो जाएंगे, है ना. अगर महंगाई कम है तो नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर उसका इम्पैक्ट भी जो है वो बिजनेस के ऊपर पड़ेगा. चेंज इन इनकम ऑफ पीपल, अगर लोगों की इनकम में चेंज आ जाए तो, अगर इंक्रीजिंग चेंज हो ना, मतलब ज्यादा इनकम आपके पास आ रही है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ज्यादा पैसे आपके पास आ रहे हैं, कस्टमर जो है, कस्टमर के पास ज्यादा परचेजिंग पावर उसकी इंक्रीज होगी क्योंकि उसकी इनकम ज्यादा है, तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी, अदरवाइज नॉट. मॉनेटरी पॉलिसी, जो बैंक्स की मॉनेटरी पॉलिसी रहती है ना बेटा, इसमें रहता है क्रेडिट में डीलिंग, मनी में डीलिंग, है ना. इन सब का जो है वो हिसाब किताब मॉनेटरी पॉलिसी में डील किया जाता है, प्राइस लेवल में डील किया जाता है. तो इन सब का इम्पैक्ट सीधा सीधा जो है वो बिजनेस के ऊपर रहता है. क्यों? क्योंकि बिजनेस के साथ जो स्टेक होल्डर्स जुड़े हैं, चाहे वो सप्लायर्स है, चाहे वो कंज्यूमर्स है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो पब्लिक है, चाहे वो सोसाइटी एट लार्ज है, कुछ भी है, उनके ऊपर इन चीजों का असर पड़ता है, तो ये बिजनेस पे तो डेफिनेटली पड़ेगा. अगर बिजनेस को लोन महंगे रेट पे मिलेगा तो वो अपनी नई ब्रांच ओपन नहीं करेगा, जिसको ओपन करने के लिए उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट में बोरोड मनी चाहिए. तो ऐसे चेंजेस जो है, ऐसे इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमिक एनवायरमेंट के बिजनेस के ऊपर रहते हैं. नेक्स्ट स्टडी करते हैं सोशल एनवायरमेंट. सोशल एनवायरमेंट इज रिलेटेड टू द सोसाइटी. सोशल एनवायरमेंट इज रिलेटेड टू द सोसाइटी. इट इंक्लूड्स द वेरियस सोशल फोर्सेस सच एज कस्टम्स, बिलीव्स, लिटरेसी रेट, एजुकेशनल लेवल्स, लाइफस्टाइल, वैल्यूज एटसेट्रा. अब देखना ध्यान से, सोशल लेवल पे अगर तो वेल एजुकेटेड वहाँ की पॉपुलेशन है, किसी भी एरिया में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा जो है वो प्रेफर करेंगे. तो जो बिजनेस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है उसकी सेल बहुत ज्यादा रहेगी. कस्टम्स कैसे के हैं, अब किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर वेजिटेरियन पीपल्स ज्यादा रहते हैं, या उनका बैकग्राउंड ऐसा है कि वेजिटेरियन प्रमोट किया जाता है, वेजिटेरियन फूड हैबिट्स को, तो वहां पे जो है नॉन वेजिटेरियन मटेरियल्स की डिमांड नहीं रहेगी. ठीक है, फिर
लाइफस्टाइल कैसा है। अगर लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, लग्जूरियस है, तो बिजनेस जो है उस मार्केट को सर्व कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। देखो, आपने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदने हैं या नॉन ब्रांडेड खरीदने हैं, आपने अच्छी क्वालिटी देखनी है या लेस प्राइस देखना है, ये सारे फैक्टर्स इस चीज को इम्पैक्ट करते हैं कि आपका लिटरेसी रेट कैसा है। ज्यादा समझदार और ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान जो है वो थोड़े इंटेलिजेंट डिसीजन लेगा। अदरवाइज जो रूरल एरियाज में पीपल कह लो या ऐसे कह लो रिमोट एरियाज के लोग जो है वो प्रेफर करते हैं कि हमारे पास मल्टीप्लिसिटी ऑफ थिंग्स हो बट हो लेस प्राइस पे। तो क्वालिटी के साथ वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, तो वो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो ये सब एट्रीब्यूट्स भी जो सोसाइटी के रहते हैं, जो लोगों के रहते हैं, वो सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट बनता है। सो नाउअडेज पीपल आर पेइंग मोर अटेंशन टुवर्ड्स देयर हेल्थ, वो अपनी हेल्थ की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से मिनरल वाटर, डाइट कोक, इन सबकी डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो डाइट कोक की डिमांड इंक्रीज हो, तो इसका मतलब कोक कंपनी को जो है वो बहुत ज्यादा एडवांटेज है इस चीज का। फैटी फूड प्रोडक्ट्स कह लो, जंक फूड्स कह लो, फास्ट फूड्स कह लो, इनकी डिमांड धीरे धीरे कम होती जा रही है क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। तो सोशल एनवायरनमेंट का इन सब चीजों के ऊपर असर रहता है, बिजनेस पे इनका असर रहेगा। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में बात की जाती है जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हमारे टेक्निक्स हैं। अब जैसे एप्पल इज टेक ओरिएंटेड, आपके जब तक मोबाइल फोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, सब टेक ओरिएंटेड है ना। कौन सी चीज ऐसी है जिसमें हम टेक्नोलॉजी नहीं देख रहे? मेडिकल लाइन में टेक्नोलॉजी है, घरों में टेक्नोलॉजी है, ईच एंड एवरीथिंग इज टेक ओरिएंटेड नाउ ना। सो इट प्रोवाइड्स न्यू एंड एडवांस वेज, नए नए एडवांस तरीके मिलते हैं, एडवांस टेक्निक्स मिलती हैं किसकी? प्रोडक्शन की। बिजनेसमैन मस्ट क्लोजली मॉनिटर द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। जो उनको चेंजेस देखने को मिल रहा है बिजनेसमैन को, वो उनको मॉनिटर करता है कि इंडस्ट्री में मुझे कौन से चेंजेस देखने को मिल रहा है, कॉम्पिटिशन कौन सा फेस करने को मिल रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने पर फोकस करता है। फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल वॉचेज इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल वॉचेज, आर्टिफिशियल फैब्रिक्स इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल कॉटन, बुकिंग ऑफ रेलवे टिकट्स ऑन द इंटरनेट। अब ये सारी चीजें क्या है? ये सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है ना, तो इनका इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर क्या नहीं पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा। देखो, जब फ्रीडम से पहले जब इंडिया डिपेंडेंट था, ब्रिटिश कॉलोनी ऑफ इंडिया में था, हम लोग करते थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री यूज, क्योंकि शुरू से हैंडीक्राफ्ट जो था वो हमारे पास था, मेटल से, गोल्ड था हमारे पास, स्पाइसेस की मार्केट सबसे ज्यादा इंडिया में थी। धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ से रिसोर्सेज ब्रिटिशर्स ले गए, वहां से वो मशीनी प्रोडक्ट, मतलब मशीन में प्रोडक्ट बना के वो यहाँ पे सेल करते थे। एक तो वो इकोनॉमिक था, मतलब इतना ज्यादा महंगा नहीं था, क्वालिटी उसकी और ज्यादा इंप्रूव हो जाती थी। इसका मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंज का इम्पैक्ट पड़ा यहाँ की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पे। अब जैसे स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं, तो लोग जो है वो दूसरी वॉचेस को पहनने में थोड़ा सा गुरेज करते हैं। रीजन बिहाइंड स्मार्ट वॉचेस, हमारा एक से दो से ज्यादा पर्पसेस जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट भी तो इस चीज के ऊपर पड़ा ना, जो हमारा एनालॉग वॉचेस हैं उसकी मार्केट के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ा ना। तो कहते हैं ये जो चेंजेस आते हैं ना टेक्नोलॉजी में, ये मार्केट को इफेक्ट करते हैं। देखो, पहले हमारे पास होते थे टाइपराइटर्स के बाद आए कंप्यूटर। कंप्यूटर में चलो हम लोग एक ही जगह पे स्टक हो जाते थे कि वहां पे जाके प्रॉपर उस चेयर पे बैठ के काम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आ गए लैपटॉप्स, मैकबुक्स एंड ऑल, है ना, ये सब चीजें आ गई। अब इसने हमें भी मोबिलाइज कर दिया कि हम लोग कहीं पे भी लैपटॉप्स, आप चाहे गाड़ी में जा रहे हो, चाहे ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी है, आप लोग लैपटॉप को यूज कर पाते हो। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का भी बिजनेस के ऊपर फेवरेबल इम्पैक्ट या अनफेवरेबल इम्पैक्ट दोनों तरह से हो सकता है। अब जैसे नोकिया स्मार्टफोन्स को नहीं पॉपअप कर पाई, तो उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट था टेक्नोलॉजी का। सैमसंग ने फटाफट मार्केट को कैप्चर कर लिया, एप्पल ने टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करा, तो वो या उनमें नई इनोवेशन। अब दो चीजें रहती है, एक करता है टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चेंज, एक करता है टेक्नोलॉजी में इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी लेके आता, तो वो उनके लिए टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट फेवरेबल रिजल्ट लेके आता है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आपको पता है इंडिया की गवर्नमेंट है ना, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट का जो एनवायरनमेंट है, जो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है नहीं है, उनका एजेंडा क्या रहता है, उनका माइंड सेट क्या रहता है, वो किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहता है। जैसे समझ लो एक पॉलिटिकल पार्टी फोकस करना चाहती है ओनली वुमेन एम्पावरमेंट, ओनली वुमेन एजुकेशन, जस्ट वुमेन वुमेन एंड वुमेन, है ना, वो सिर्फ उसी सेगमेंट के ऊपर फोकस करना चाहता है कि हम इनको सबसे पहले एम्पावर कर दें। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका एजेंडा ये है कि हमें ना डेवलप करना है कंट्री को, बट किसके थ्रू करना है? इंडस्ट्रीज के थ्रू, तो वो सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर फोकस करेगा।
ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये मकसद है कि हम लोग स्मार्ट सिटी ज्यादा से ज्यादा डेवलप करें और डिजिटल वर्ल्ड बनाए, है ना, डिजिटल इंडिया बनाए या कुछ ऐसा। तो आइडियोलॉजी है ना जो पॉलिटिकल पार्टी की या उनका बिजनेस हाउसेस को लेके क्या एटीट्यूड है, वेदर टू प्रोवाइड द सपोर्ट, वेदर टू नॉट प्रोवाइड द सपोर्ट, वेदर टू डील विद द स्मॉल इंडस्ट्रीज ओनली, वेदर टू प्रमोट द लार्ज इंडस्ट्रीज ऑल्सो, वेदर टू प्रमोट एफडीआई इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी और नॉट, ये सब चीजें जो है वो इम्पैक्ट करती हैं बिजनेस हाउसेस के ऊपर। अब जैसे 1991 में नेशनल सॉरी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो कड़ी टक्कर इंडिया के बिजनेस हाउसेस को मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से मिली, क्योंकि उस टाइम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी कंट्रीज में काम करता, उनका मार्केट शेयर ज्यादा है, उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, उनके स्किल्स ज्यादा है, उनके पास नॉलेजेबल पीपल ज्यादा है, एक्सपीरियंस उनके पास ज्यादा है, मार्केट वो बड़ी जल्दी कैप्चर कर सकता है। तो जो एक रीजनल लेवल पे काम कर रहा है उसके लिए चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है। तो कहते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या आइडियोलॉजी से काम कर रहा है, वो चीज भी बिजनेस के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट डालती है। जैसे मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे डिमोनेटाइजेशन हो गया, जीएसटी लॉन्च हो गया, अदर एक्ट्स में अमेंडमेंट्स हो गई, तो ये चीजें जो है वो इम्पैक्ट करती है। स्मार्ट सिटीज का बहुत ज्यादा ट्रेंड आ गया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया कैंपेन शुरू हो गए। मेक इन इंडिया कैंपेन शुरू हुआ, उनकी आइडियोलॉजी ये है कि हम इंडिया के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, तो इंडिया के बिजनेस के लिए फेवरेबल बात है। डिजिटल इंडिया, टेक्नोलॉजी आए, अब आपके वो प्रोडक्ट्स आउटडेटेड हो जाएंगे जो टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप नहीं करते। स्मार्ट सिटीज डेवलप हो, अगर स्मार्ट सिटीज डेवलप होंगी तो इंफ्रा अच्छा मिलेगा, बिजनेस हाउसेस और ज्यादा डेवलप होंगे। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की क्या आइडियोलॉजी है, इस चीज का असर जो है वो सीधा सीधा बिजनेस हाउसेस पे रहता है। फिर उसके बाद में लीगल एनवायरनमेंट, इट कॉन्स्टिट्यूट द लॉज एंड द रेगुलेशंस पास्ड बाय द गवर्नमेंट। जो लॉज, जो लेजिस्लेशंस गवर्नमेंट पास कर रही है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स हैं, जो कोर्ट के जजमेंट्स हैं, जो अलग अलग कमीशन और एजेंसीज के डिसीजंस हैं, वो भी चीजें इंपैक्ट करती हैं। अब जैसे 1986 में ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया था, और अभी रिसेंटली लॉकडाउन में जब निर्मला सीतारमन उनके द्वारा उसको अमेंड किया गया 2019 में या मे बी 2020 जो भी है, इससे उसको अमेंड किया गया। अब देखो नई नई जजमेंट्स आती हैं, कभी कोई कंफ्लिक्ट हो जाए तो उसकी नई जजमेंट्स आ जाती हैं। जैसे आपने पार्टनरशिप में पढ़ा होगा गार्नर वर्सेस मुरे रूल है डिसोल्यूशन में, तो वो एक तरह की जजमेंट है जो बेस प्रोवाइड करता है डिसोल्यूशन के साथ डील करने का। कोर्ट के क्या ऑर्डर्स रह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आपको क्या ऑर्डर दे रहा है, कौन सा नया एक्ट पास हो रहा है, कौन सी अमेंडमेंट आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को चेंज करना पड़ता है। जैसे अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स की आप ऐड नहीं दे सकते, अगर आप सिगरेट्स की ऐड दे रहे हो आपको नीचे लिखना पड़ेगा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू द हेल्थ। तो ऐसे जो ऑर्डर्स हैं, ऐसी जो स्टेचुटरी वार्निंग्स हैं, ऐसे जो स्टेचुटरी रूल्स हैं, जो लीगल रूल्स हैं, इनके साथ कंप्लाई करना जरूरी होता है। बिजनेस के ऊपर इनका बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो है वो रहता है, और बिजनेस को इनके साथ डील करना आना चाहिए, अदरवाइज लीगल एक्शन में ये रिजल्ट करता। अब हम लोग बात करेंगे जो हमने इतने सारे डायमेंशंस पढ़े उसके बेसिस पे जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं। सो कहते हैं अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट एजेंसी द वर्ल्ड प्रोड्यूसेस अराउंड 300 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक ईच ईयर। पहली बार एनवायरनमेंट एजेंसी का बात की जा रही है, प्लास्टिक की बात हो रही है। हाफ ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूट सिंगल यूज आइटम्स, सिंगल यूज आइटम्स का मतलब ये है उसके बाद में वो वेस्ट है, रिसाइकिल नहीं की जा सकती। फूड इज रिसाइकलिंग 1 बिलियन प्लास्टिक बॉटल्स एवरी ईयर, रिसाइकलिंग की बात हो रही है। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक, वो प्लास्टिक का अमाउंट कम कर रहे हैं अपने कार के इंटीरियर में। अमेरिकन कार मेकर रिवील्ड दैट देयर इज रोमानियन बिल्ट इको स्पोर्ट एसयूवी कारपेट्स मेड यूजिंग 470 रिसाइकल्ड सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल्स, मतलब उन्होंने रिसाइकलिंग का काम करा है और उसको अपने कार में यूज किया एज एन इंटीरियर का एक पार्ट, कारपेट्स एंड ऑल। द प्रोसेस फॉर मेकिंग फोर्ड इको स्पोर्ट कारपेट्स इन्वॉल्व्ड श्रेडिंग बॉटल्स एंड देयर कैप्स इनटू टाइनी फ्लेक्स एंड देन हीटिंग देम टू 260 डिग्री सेल्सियस। आइडेंटिफाई द रिलेटेड डायमेंशन, क्या ये एक इकोनॉमिक डायमेंशन है, सोशल है, टेक्नोलॉजिकल है या पोलिटिकल है? मुझे तो यहाँ पे ये सोशल लग रही है, रीजन बिहाइंड प्लास्टिक की बात की जा रही है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग की बात की जा रही है, आपके एनवायरनमेंट को स्ट्रॉन्ग करने की बात की जा रही है। सो दिस इज प्लास्टिक सोशल डायमेंशन। डिजी लॉकर इज द कंट्रीज फर्स्ट सिक्योर्ड क्लाउड बेस्ड, डिजी लॉकर
डिजी लॉकर की बात कर दी गई यहाँ पे, सीधी सीधी बात टेक्नोलॉजिकल चेंज है। The integration of a government department with a DigiLocker, since its launch last year, is one of the biggest of its kind. It will spare one people the trouble of carrying licenses and vehicle papers, and can be accessed to phones using the DigiLocker app. Identify the related dimension. इसका क्या dimension हो सकता है? Economic, technological, social या political? अब DigiLocker का तो रहेगा technological dimension. The Uttarakhand government has developed surveillance network. अच्छा. Using latest satellite technology, तो यहाँ पे तो आ गया सीधी सीधी बात टेक्नोलॉजी की बात हो गई। Under this system, state mining department would be in a position to check illegal mining activities. State government is also considering the use of the drones and proposed campaign against the illegal mining. Identify the related dimension. तो इसमें कौन सी रहेगी? देखो, एक तो illegal word की बात हो गई, ठीक है। दूसरा बात हो गई कि लेटेस्ट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो है वो उत्तराखंड गवर्नमेंट यूज करेंगे। गवर्नमेंट अगर यूज कर रही है तो पॉलिटिकल डायमेंशन तो सीधी सीधी बात है। लेटेस्ट चीज को यूज कर रही है वो भी एक टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट भी चलो आ गया। इलीगल माइनिंग की बात कर रही है, पॉलिटिकल हम पहले टेस्ट करते हैं किसमें, एक पॉलिटिकल इसमें है, एक पॉलिटिकल इसमें है ना। गवर्नमेंट तो पॉलिटिकल तो है, तो टेक्नोलॉजिकल वाला राइट आंसर है ना कि इकोनॉमिक वाला, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक को लेके कोई बात नहीं हो रही, टेक्नोलॉजी को लेके बात हो रही है। In order to boost the double India export of the goods and services to over $1,000 billion by 2025, it is important to lower the effective corporate tax rate, bring down the cost of the capital and simplify the regulatory framework and tax framework. Identify the related dimensions. अब देखो, इंडिया के एक्सपोर्ट्स को बूस्ट अप करने के लिए 1000 बिलियन का हम लोगों ने सोचा है हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम कर देना चाहिए, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम कर देना चाहिए, टैक्स फ्रेमवर्क को रेगुलेट कर देना चाहिए। तो क्या डायमेंशन की बात कर रहा हूं? देखो, ये सारे काम कौन करेगा? इकोनॉमी तो इकोनॉमिक तो करेगा ही करेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा उसमें, टैक्स रेट आ जाएगा उसमें, रेगुलेटरी लीगल करेगा। सो डी आंसर इज द राइट आंसर, डी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज The Economic Survey 2019 suggests that psychological biases can be used to realign the tax compliance. It is in favor of using religious norms. Dying is in debt is a sin to improve tax compliance. So related dimension. बेटा ये social है, ठीक है? ये religious norms की बात कर दी ना उसने, तो social है। दूसरा, वो economic survey ने देखा कि psychologically ये impact बढ़ता है। बात तो वो इकोनॉमी की कर रहा है ना, बात तो वो टैक्स रेट इंटरेस्ट ऑन लोन की कर रहा है या डेट्स की बात कर रहा है। तो ये है सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन। ये कौन सा डायमेंशन है? सोशल एंड इकोनॉमिक। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 39% ऑफ एडल्ट्स आर ओवरवेट। Over the last 40 years, the prevalence of obesity has tripled around the world, with over half of the consumers drinking at least one sugary drink on a given day. Regulations towards the beverage sector are likely to become increasingly onerous. In the UK, for example, a sugar tax was introduced in 2018 on beverages containing more than 5% sugar. Identify the related dimensions. Now, see, World Health Organization according, 39% adults overweight. Hai. 40 years, mein, prevalence of obesity jo hai, wo bahut zyada ho gaya. और इसका मतलब कि लोग जो है वो शुगरी ड्रिंक को छोड़ के थोड़ा ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, है ना। तो सोशल तो है ही है। तो यूके वालों ने क्या किया है? शुगर टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया। ओके, टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, तो रिलेटेड डायमेंशन कौन सा रहेगा? गवर्नमेंट का तो काम है ही है, यहाँ पे पॉलिटिकली तो काम आ रहा है। शुगर टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2018 ऑन बेवरेजेस कंटेनिंग मोर देन 5% sugar. Identify the related dimensions. तो इसमें World Health Organization जो है वो social के साथ deal कर रही है ना, और tax rate जो आ गया वो compulsory है आपको pay करना, तो legal and social dimension is the right answer. So I hope आपको ये सारा dimensions of business environment clear हो गया होगा। अब हम लोग next topic जो है वो next lecture में शुरू करेंगे। Thank you so much. अगर आपको कोई doubt रहता तो आप Education World Commerce channel पे, Telegram पे है जो हमारा channel, आप उस पर पूछ सकते हो। Thank you so much.